मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी पोस की रात का ये दूसरा भाग है। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी और कहानियों के लिए। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। हल्कू के खेत के सामने ही आम का एक बड़ा सा बाग था, जिसे देखकर वह सोचने लगा कि पतझड़ शुरू हो चुकी है और जरूर इन पेड़ों से पत्तियां झड़ी होंगी, तो क्यों ना इसके सूखे पत्ते लाकर देर रात आग सेक लूं। हल्कू ने सोचा कि वह पत्तियां उठाने तो चला जाए, पर कहीं रात के अंधेरे में उस पर कोई जानवर हमला न कर दे और उसे ऐसे देखकर कोई भूत ना समझ ले। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद हल्कू एकदम से उठा और एक सूखे पौधे को उखाड़कर उसे मशाल की तरह जलाकर पेड़ों की ओर चल पड़ा। अपने मालिक को जाता देख जबरा भी झट से उठ गया और दुम हिलाते हुए हल्कू के पीछे हो लिया। पेड़ों के पास पहुंचकर हल्कू ने उन विशाल पेड़ों को देखा जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अपने मन के डर को दबाते हुए हल्कू नीचे झुका और पेड़ों के आसपास पड़ी पत्तियों को बटोरने लगा। सूखे पत्तों को समेटने की वो आवाज और ठंडी हवा के झोंकों से आ रही पेड़ों की सरसराहट हल्कू को डरा रही थी। ठंड में नंगे पांव पर कंकड़ तो मानो तीर की तरह चुभ रहे थे। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए हल्कू ने जबरे से बातें करना शुरू कर दिया और कहने लगा, लग रही है ना तुझे भी बहुत ठंड, बस थोड़ी सी पत्तियां और इकट्ठी कर लेते हैं, फिर दोनों खूब आग सेकेंगे। हल्कू जितनी पत्तियां समेट सकता था समेट ली और मचान की ओर चल पड़ा। मचान के बाहर पहुंचकर हल्कू ने पत्तियों में आग लगाई। देखते ही देखते आग धधकने लगी और उसकी लपटें पेड़ों को छूने लगी। हल्कू और जबरा वहीं आग के पास बैठ गए। हल्कू अलाव में कभी अपने हाथ सेकता तो कभी पांव तो कभी आग की और पीठ करकर बैठ जाता। जबरा भी आग के पास पसर कर लेट गया और उन लपटों को देखने लगा। हल्कू जबरे की ओर देखकर कहने लगा, कहा था ना मैंने अलाव जलाते ही ठंड नहीं लगेगी, अब सेक ले जी भर आग। कुछ समय बाद वो आग की लपटें जैसे कहीं गुम हो गईं और पत्तियों का ढेर सिमट कर राख में बदल गया। अब तो बस कोई हवा का झोंका आता तो बची कुछ ही चिंगारी कहीं बीच में लाल लाल अनार के दानों से दिखाई देती। हल्कू रात की थोड़ी सी गर्माहट में वही चादर ओढ़े दुबक कर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी ठंड से और जकड़ने लगी थी। कुछ देर बाद हल्कू वहीं राख के ढेर के पास लेट गया। हल्कू को नींद आने ही वाली थी कि जबरा फिर से अचानक उठ गया और खेत की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू के कानों में भी कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे जानवरों का बड़ा झुंड खेतों में घुस आया हो और उसकी फसल चर रहा हो। जानवरों की हलचल की पूरी आवाजें हल्कू के कानों में पड़ रही थीं। हल्कू आंखें मूंदे ही सोचने लगा कि जबरा के होते हुए आखिर कोई जानवर खेतों में कैसे घुस सकता है, जरूर मुझे कोई धोखा हो रहा होगा। हल्कू ने आंखें खोले बिना ही जबरे को आवाज लगाई, लेकिन जबरा खेतों की ओर मुंह किए जोर जोर से भौंकता रहा और उसके पास नहीं आया। कुछ देर बाद खेत में चरने की
आहटें तेज हो गईं और अब हल्कू को पूरा यकीन हो गया कि खेत में जरूर जानवर घुस आए हैं। अपने आलस को झकझोरते हुए हल्कू आधे मन से उठकर बैठ गया। इस कपकपाती ठंड में उठकर खेत में जाना और फिर जानवरों को भगाना उसे बेहद मुश्किल सा लग रहा था। हल्कू वहीं बैठे बैठे जबरे को आवाज देने लगा। हल्कू की आवाज सुनकर जबरा और भी जोरों से भौंकने लगा। खेतों में नील गाय का झुंड घुस आया था, जो पूरी तैयार फसल को चरने के साथ ही उसे तहस नहस किए जा रहा था। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंके जा रहा था, जैसे उन्हें वहां से चले जाने को कह रहा हो। इस पर हल्कू ने पक्का इरादा करते हुए खुद को समझाया और चादर को शरीर पर लपेटते हुए खेत की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। हल्कू कुछ कदम ही चला था कि अचानक तेज हवा के झोंके ने उसके कदम रोक दिए। हल्कू को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में चुभा दी हूं और उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो। हल्कू दौड़ता हुआ राख के ढेर के पास लौट आया और पास पड़ी लकड़ी से उसे कुरीदने लगा ताकि उसके शरीर को कुछ तो गर्माहट मिले। जबरा खेतों के पास भौंकता रहा और हल्कू उस राख के ढेर के पास सिकुड़ कर बैठा रहा, जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा हो। नीलगाय के झुंड ने देखते ही देखते पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। हल्कू उसी राख के ढेर के पास चादर ताने सो गया और जानवरों के जाने के बाद जबरा भी हांफते हुए हल्कू के पास आकर बैठ गया। सुबह जब हल्कू की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था और धूप निकल आई थी। सामने बैठी मुन्नी उसे गुस्से से घूरते हुए जोर जोर से कह रही थी, दिन भर सोए रहोगे क्या? उठकर देखो तो सही, जानवरों ने पूरी फसल का क्या हाल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे रात में खेत में होने का क्या फायदा? अगर चादर तान कर सोना ही था तो घर पर ही पड़े रहते। मुन्नी को चुप होते ना देख हल्कू धीरे उठा और उससे पूछा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? क्या सच में हमारी पूरी फसल तबाह हो गई है? मुन्नी ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा, हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, हम तबाह हो चुके हैं। हल्कू जानता था कि मुन्नी ऐसे चुप नहीं होगी, तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, तुझे तो बस खेत की पड़ी है, मैं यहाँ रात में मरने से बाल बाल बचा। रात को मेरे सीने में इतना तेज दर्द उठा कि मैं हिल भी नहीं पाया। यह तो मैं ही जानता हूँ कि दर्द के साथ मैंने कड़कड़ाती ठंड के बीच रात कैसे काटी है। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी कुछ नहीं बोली। फिर दोनों खेत के पास आ गए और बुरी तरह रौंदे हुए खेत को देखने लगी। खेत की दुर्दशा देखकर मुन्नी के चेहरे पर उदासी छा गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि अब गुजारा कैसे होगा। पर हल्कू के चेहरे पर एक अलग शांति थी। मुन्नी ने चिंता जताते हुए हल्कू से कहा, लगता है मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। हल्कू ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, चलो कम से कम अब इन सर्द रातों में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मजबूरी में इंसान को कई बार ना चाहते हुए भी
कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। विपदा कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा चौकस रहना जरूरी है। और ये था कहानी का आखिरी भाग। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।